पिछले जो प्रीवियस पेपर्स हैं वो सारे हमेशा इम्पोर्टेंट रहते हैं, तो इसमें मैंने वही एंटोनिम्स सेलेक्ट किए हैं जो पिछली एचएसएससी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो नेगेटिव का मतलब होता है एग्जोटिक, उल्टा, इसका मतलब विदेशी, फॉरेन। कोसेट का मतलब होता है लाड़ प्यार करना, ठीक है, कोसेट का मतलब होता है लाड़ प्यार करना। और नेगलेक्ट, किसी को नज़रअंदाज कर देना। मिस्ट्रिएट, किसी के साथ में बुरा व्यवहार करना। तो कोसेट के मीनिंग ये हैं। अनस्टेबल, स्टेबल होता है स्थिर, अनस्टेबल जो स्थिर ना हो, तो इसका उल्टा स्टेबल भी है, कॉन्स्टेंट भी है, स्टेडी भी है, ठीक है। नेक्स्ट है इन्फ्यूरिएटेड, इन्फ्यूरिएटेड होता है मतलब गुस्से में होना, ठीक है, गुस्से में हो जाना, इन्फ्यूरिएटेड। और सूथिड या कंसोल या कंफर्ट, इसका मतलब होता है शांत होना, ये अशांत होता है। वर्च्यू का मतलब होता है गुण, हमारे अंदर कोई गुण है। तो वाइस मतलब बुराई, ठीक है, और ड्राबैक वही कमी, तो ये इसके मतलब है। कंसीटेड होता है घमंड करना किसी चीज़ के ऊपर, घमंड। अम्बल होता है विनर्म, ठीक है, डाउन टू अर्थ, जो किसी भी चीज़ के ऊपर ज़्यादा घमंड ना करता हो, ठीक है, चाहे उसके पास सब कुछ है लेकिन फिर भी जो ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी है उसको बोलते हैं डाउन टू अर्थ। और कंसीटेड होता है घमंड करना, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, और जुबिलेंट क्या होता है, खुशी का जो मूड होता है, खुशी में होना, उसको बोलते हैं जुबिलेंट। और दुख में होना, डाउन कास्ट होना, उदास, डिस्पोंडेंट, निराशा में होना, ठीक है। तो खुशी में होने का ये उल्टा हुआ, ठीक है। लैकोनिक का मतलब है इनलार्ज्ड, लैकोनिक होता है संक्षिप्त में, थोड़े में, और इनलार्ज्ड ज़्यादा, एक्सपेंडेड कोई चीज़, विस्तार कर देना किसी चीज़ का, ठीक है। लैकोनिक का मतलब है संक्षिप्त, थोड़ा। नेक्स्ट है नॉलेज, नॉलेज का आपको पता है मतलब ज्ञान होना, इग्नोरेंस, ठीक है, और इलिटरेसी, अनपढ़ता जिसको बोलते हैं, अज्ञानता बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं ज्ञान। कार्नल का मतलब होता है स्पिरिचुअल, इसका मतलब होता है रिलीजियस, ठीक है। और कार्नल का मतलब होता है कामुक व्यक्ति, और स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिक, धार्मिक, इसको हम बोल सकते हैं इसका उल्टा। नेक्स्ट है मैग्नानिमस का मतलब होता है सेल्फिश, ये मतलब होता है अच्छा व्यक्ति, उदार व्यक्ति, और इसका उल्टा हुआ सेल्फिश, स्वार्थी, मीन स्पिरिटेड, अच्छी आत्मा का न होना, बुरा इंसान होना। टेंटेटिव होता है, आपको पता होगा कि भाई उस एग्ज़ाम की जो डेट है वो टेंटेटिव आई है, निश्चित नहीं है, बदल सकती है, ठीक है, अनिश्चित। और डेफिनेट निश्चित, परफेक्ट बिल्कुल पूर्ण। रिपल्सिव का मतलब होता है गिरना, नफरत करना किसी के साथ में, और जो चीज़ अच्छी ना लगे उसको बोलते हैं रिपल्सिव, और जो चीज़ अच्छी लगे उसको बोलते हैं अट्रैक्टिव, प्लीजेंट। तो ये इसके उल्टे हैं जिसके हम बात करने जा रहे हैं। ओब्सिक्यूस, ओब्सिक्यूस का मतलब होता है किसी की चापलूसी करना, ठीक है, मतलब अपनी ड्यूटी तो करना लेकिन उससे अध से ज़्यादा किसी की चापलूसी करना, ठीक है, वो ओब्सिक्यूस होता है, जिसका मतलब होता है डिफिएंट, ये पेपर में आया था, नॉटी और अनडिसिप्लिन भी इसको हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट है स्पाउज, स्पाउज का मतलब होता है समर्थन करना, किसी के पक्ष में होना, ठीक है, और ओपोज उसका विरोध करना, रिजेक्ट करना किसी चीज़ को, तो इसका उल्टा ही। नेक्स्ट है टॉर्टुअस, टॉर्टुअस का मतलब होता है जटिल, और इसका मतलब स्ट्रेट या स्ट्रेट फॉरवर्ड, सिंपल, साधारण। इनक्रेडिबल होता है जिस पर विश्वास न किया जा सके, बिलीवेबल, अनक्वेश्चनेबल, अनडाउटेबल, इसका उल्टा होता है, ठीक है। शो मतलब दिखावा करना, आइड कोई चीज़ छुपाना, स्प्रेस करना, छिपा लेना कोई, दबा लेना कोई चीज़। एक्सप्लिसिट होता है स्पष्ट, ठीक है, और इम्प्लिसिट होता है अस्पष्ट, वैग भी जिसको हम बोल सकते हैं, अस्पष्ट, जो अनक्लियर हो। तो ये तो जो नेक्स्ट वर्ड है वह है स्टार्टलेड, और जिसका एंटोनिम्स है रिलैक्स्ड, ठीक है। स्टार्टलेड होता है बेचैन होना, चौंक जाना, और इसका मतलब होता है रिलैक्स्ड, सूथिड, मतलब बिल्कुल शांत होना। पंजेंट के दो मीनिंग है, पंजेंट एक तो वो होता है टेस्टी चीज़ कोई भी, स्वादिष्ट कोई चीज़, ठीक है, तो वो मीनिंग पेपर में है तो हम बोलेंगे टेस्टलेस, जिसमें कोई टेस्ट ना हो। और एक पंजेंट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, मजबूत, तो उसका एंटोनिम्स होता है वीक, ठीक है। स्वेल, स्वेल आपने सुना होगा, सोजन, यानी कोई चीज़ इंक्रीज होना, इसका मीनिंग होता है। तो इंक्रीज का डिक्रीज, श्रिंक, सिगुड़ जाना, डिमिनिश, धीरे धीरे ख़त्म हो जाना, ये पेपर में आया था, डिमिनिश, लुप्त हो जाना धीरे धीरे।
और कार्डियल होता है सहार्दिक, हृदय से, दिल से, दोस्ताना तरीके से कार्डियल। तो अनफ्रेंडली इसका उल्टा है, ठीक है। इनसिंशियर इसका उल्टा है। रैक होता है कोई चीज़ तबाह कर देना, कोई चीज़ धीरे धीरे ख़त्म कर देना। और रिस्टोर का मतलब होता है वही उसी चीज़ का पुनर्निर्माण करना, इकट्ठी करना कोई चीज़, ठीक है। चैरिश संजोना। और लिम्पिड का मतलब होता है ब्लर और मडी। ब्लर आपने सुना होगा धुंधला, ठीक है, और लिम्पिड होता है स्पष्ट, ठीक है। और ब्लर कोई पिक्चर ब्लर कर दे, दिखाई ना दे, अस्पष्ट, मडी। वर्थ का मतलब होता है कीमत, और वर्थलेस जिसकी कोई कीमत ना हो, यूजलेस बेकार चीज़, और वर्थ मतलब वो चीज़ काफ़ी मूल्यवान है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आर्टिफिशियल, बनावटी, और इसका मतलब होता है नेचुरल, प्राकृतिक या जेन्युइन, वास्तविक, इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कंपलसरी, जो बिल्कुल ज़रूरी है, और वॉलेंट्री अपनी इच्छा से काम करे, ऑप्शनल जिसमें हमारे पास ऑप्शन है कि हम ये चूज़ करें या ये चूज़ करें, लेकिन कंपलसरी में ऐसा नहीं कर सकते। जैसे कंपलसरी सब्जेक्ट है वो लेना ही लेना है, ठीक है, एक ऑप्शनल है, तो ये उसका उल्टा है। यूनिक, जो एक ही चीज़ हो, सबसे अलग, विशिष्ट, लेकिन कॉमन इसका उल्टा होता है ऑर्डिनरी। जैसी चीज़ें तो बहुत ज़्यादा मिल सकती है, कॉमन बहुत मिलेंगी, ऑर्डिनरी बहुत मिलेगी, यूनिक एक अलग चीज़। डिनायल मतलब मना करना, और एक्सेप्टेंस स्वीकार करना, कन्फर्मेशन मतलब पूरा उसका स्वीकार करना, उस चीज़ को कन्फर्म करना। मर्की का मतलब होता है अस्पष्ट, धुंधला, और क्लियर स्पष्ट दिखाई दे, ब्राइट, जो चमके पूरे तरीके से। बोरिंग का मतलब होता है, आपको पता है बोरिंग, और इसका मतलब होता है इंटरेस्टिंग, इसका उल्टा, ठीक है, अट्रैक्टिव होता है। अराइवल कहीं पहुंच जाना, डिपार्चर वहाँ से प्रस्थान कर जाना, पास कर जाना, वहाँ से चले जाना। रिवील इंपॉर्टेंट है, रिवील अपनी कोई चीज़ किसी को बताना, ठीक है। और इसका उल्टा हाइड मतलब छिपाना, कंसील का मतलब भी होता है छिपाना, ठीक है। अब कुछ और नेक्स्ट वर्ड है कॉन्फ्लिक्ट, और कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है द्वंद्व, लड़ाई झगड़ा, ठीक है। दिमाग में विचार चलते रहना, कॉन्फ्लिक्ट क्या करें क्या ना करें। और पीस इसका उल्टा है शांति, पैसिफिकेशन भी इसको हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट है काउंटरफिट का मतलब होता है नकली आदमी, ठीक है, नकली कोई भी चीज़। जेन्युइन वास्तविक, ओरिजिनल इसका उल्टा होता है। रिजिड मतलब कठोर, जिसको तरोड़ा मरोड़ा ना जा सके। और फ्लेक्सिबल, ठीक है, इसका उल्टा है। नेक्स्ट है सबर्ब, उपनगर इसको हम बोलते हैं, ठीक है, और इसका मतलब होता है रूरल, ग्रामीण। ऑप्टिमिस्ट का मतलब होता है आशावादी, जो हमेशा आस रखे कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। पैसिमिस्ट निराशावादी। स्पार्स का मतलब प्लेंटी, स्पार्स मतलब कम होना, और प्लेंटी इसका उल्टा है प्रचुर मात्रा में कोई चीज़ होना, अबेंडेंट काफ़ी कोई चीज़ होना। कॉम्प्लीमेंट होता है किसी की प्रशंसा करना, ब्लेम दोष देना, इंसल्ट बेइज्जती करना, ये इसके उल्टे हैं। प्लेसिड का मतलब होता है शांत, और डिस्टर्ब्ड जो डिस्टर्ब हो जाए, ठीक है, जो शांत ना हो, अशांत जिसको हम बोलेंगे। ये इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। ओमनीपोटेंट का मतलब होता है पावरफुल, सबसे शक्तिशाली, ठीक है, काफ़ी शक्तिशाली। और पावरलेस जिसमें शक्ति ना हो, इसका उल्टा हो गया, ठीक है। अब कुछ वर्ड और हैं जिनकी हम बात करें। सबसे पहले है वेक, वेक का मतलब होता है आपको पता जागना, और स्लंबर का मतलब नींद, सोना। एब्स्ट्रैक्ट वो चीज़ जिसको हम देख नहीं सकते, फील कर सकते हैं। और कॉन्क्रीट वो चीज़ होती है ठोस, जिसको हम देख सकते हैं। कॉशियस मतलब ध्यान रखना, सचेत। केयरलेस असचेत होना। लास्टिंग जो चीज़ लंबे समय तक रहे। और ट्रांसिएंट का मतलब होता है क्षणभंगुर, थोड़े समय तक रहने वाली। कमेंड ध्यान रखना है, ई है ए नहीं है। कमेंड का मतलब होता है उल्टा होता है डिसलाइक, ठीक है। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को लाइक करना, और डिसलाइक करना इसका उल्टा है। श्रीन का मतलब होता है एजिटेटेड, श्रीन का मतलब होता है शांत चुपचाप, और एजिटेटेड जो बेचैन हो, शांत ना हो, अशांत। एंटीपैथी का मतलब होता है नफरत किसी से, और फोंडनेस किसी से प्रेम करना। डोंटलेस का मतलब उल्टा होता है स्केयर्ड, डोंटलेस मतलब निडर, जो बिना डर के चले, और स्केयर्ड होता जो डरे। ट्रेजिक होता है दुखांत, और कॉमिक होता है मजाक से रिलेटेड। प्रिवेंट मतलब रोकना, सपोर्ट मतलब उसका सहयोग करना। और रग्ड का उल्टा होता है डेलिकेट, रग्ड मतलब उबड़ खाबड़ कोई चीज़, ठीक है, खुरदरी कोई चीज़, और डेलिकेट होता है जो अच्छी नरम चीज़।
तो ये कुछ एंटोनिम्स थे जो इस वीडियो में हमने डिस्कस किए हैं। और ये सारे एंटोनिम जैसे कि मैंने पहले बताया पिछले सारे HSSC एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं और जो आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों